नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतौड़ी सहित सपा प्रत्याशी मनोज कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को पछाड़ते हुए जीत का परचम लहराया। गौरतलब है कि सीएम पुष्कर ने वोटों की गिनती के पहले ही राउंड में बढ़त बना ली थी। 13 चरणों में हुए मतदान के बाद धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 54,121 वोटों से जीत दर्ज की है। उपचुनाव के लिए 13वें राउंड तक हुई काउंटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतौड़ी को 3,147, बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी को 57,000 से ज्यादा और वहीं सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को 409, निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को 399 और नोटा के हिस्से में 372 मत आए हैं। अलीगढ़ में बाइक रैली में तमंचे लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। अभिताई लोधी की जयंती पर युवाओं ने बाइक रैली निकाली थी। हरदुआगंज के गांव इब्राहिमाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिना अनुमति रैली निकाली गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अलीगढ़ में बेरहम पति की क्रूरता भरी वीडियो सामने आई। पत्नी को डंडों से पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पीड़ित महिला न्याय के लिए थाने से लेकर उच्च अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर बेरहम पति बन गया है। महिला का आरोप है कि पति शराब के लिए मायके से लगातार 10,000 रुपए की मांग कर रहा था। इनकार करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। छावनी त्राहे पर फिल्मी स्टाइल में कार पर फायरिंग के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई है। फायरिंग में शामिल अजय दुबे और संतोष दुबे के साथ पुलिस मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध 10 लाख कारतूस बरामद हुआ है। थाना छावनी और एसओजी की टीम की एक अपराधी के साथ में मुठभेड़ हुई, जिसमें ये अपराधी आशुतोष दुबे के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 31 मई की शाम को थाना छावनी के माझिल गांव में जो गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति राजेश वर्मा के सीने में गोली लगी थी, वो घटना इसने अपने साथी विशाल दुबे के साथ में मिलकर की थी। देवरिया जिले के एसओजी और पुलिस टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब 30 मई की मध्यरात्रि को देवरिया जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के गोला बाजार में छत पर सो रहे अली मोहम्मद नाम के युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले मुख्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक की साली से प्रियांशु नाम के युवक का अवैध संबंध था, जिसको लेकर मृतक का अपनी पत्नी से बार बार झगड़ा होता था। इसी बात को लेकर मृतक की साली उसका प्रेमी प्रियांशु ने हत्या की साजिश की। कस्बे में ये घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अली मोहम्मद है, उसकी अपने ही घर में घर की छत पर डेड बॉडी मिली थी और एक बुलेट वुंड भी हम लोगों को उसकी बॉडी पे मिला था। पोस्टमार्टम के दौरान फिर मृत्यु की पुष्टि हुई, जिसमें 302 धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण देवरिया पुलिस की टीम और एसओजी की टीम ने कर लिया है और इस पूरे घटना में जो मृतक है, मृतक की पत्नी, उनकी साली और 2 अन्य व्यक्ति जिनके नाम राहुल और प्रियांशु हैं, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देवरिया के बैतालपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत भालीचोर ग्राम सभा में पुनः कोटे का चुनाव संपन्न हुआ। कोटे के चुनाव में सावित्री देवी पत्नी जितेंद्र निषाद ने 99 मतों से जीत दर्ज की है। वहीं जितेंद्र निषाद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं कभी जनता को शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कोटे के राशन वितरण करूंगा। आज कोटे का चुनाव हुआ भालीचोर में, इसमें सावित्री देवी को पूर्ण बहुमत मिला। यहाँ पे 353 लोग उनके पक्ष में अपना सुझाव दिए, इनको कोटे का चयन इनके पक्ष में किया जाए। दूसरे नंबर पे थे हृदय नारायण, इनको मात्र 254 लोग ही वोट दिए इनको। इस तरह से सावित्री देवी के नाम का प्रस्ताव ग्राम पंचायत में सर्वसम्मत से गांव के लोगों ने किया।
और अब खबर गोंडा से, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र के मुट्ठीगंज मोहल्ले में हुए विस्फोट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। कस्बे के मुट्ठीगंज मोहल्ले में खोया व्यापारी पुरुषोत्तम केसरवारी के बंद पड़े मकान में बुधवार की शाम अचानक हुए विस्फोट से हड़कंप मच गया था। आनंद फाना में पुलिस एसओजी, बम डिस्पोजल स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम और जिले के आला अफसर मौके पर पहुंचे थे। जांच के दौरान मौके से सर्किट बम, भारी मात्रा में बारूद और तमाम अर्धनिर्मित बम मौके से मिले हैं। वहीं खोया व्यापारी के बंद पड़े मकान के बारे में जानकारी की गई तो 4 साल पहले भी इसी घर में विस्फोट की बात सामने आई थी। एसपी संतोष मिश्रा ने बताया कि इस घटना की बारीकी से जाँच की जा रही है। जनपद गोंडा थाना नवाबगंज में कल शाम को देर शाम ये सूचना प्राप्त हुई कि कस्बे में एक घर में ब्लास्ट हुआ है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस वहां पे पहुंची और छानबीन इसकी शुरू की गई। मैं स्वयं वहां पे मौके पे पहुंचा और पूरी डिटेल एक ही चीज खंगाली। इस घटना से संबंधित दो लोगों को, पुरुषोत्तम केसरवानी और कृष्ण नारायण केसरवानी, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। गोरखपुर पशु तस्करों के आतंक से परेशान गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। गोरखपुर की तिवारीपुर कैंट पुलिस और एसओजी टीम ने पशु तस्कर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम के पास से पिकअप और तमंचा बरामद किया। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहे पशु तस्करों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि ये लोग पश्चिम बंगाल में पशुओं को ले जाकर बेच दिया करते थे। जनपद गोरखपुर में पशु तस्करों के खिलाफ पिछले हफ्ते भर से एक सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पशु तस्करों की कमर तोड़ने के लिए एसओजी, कैंट पुलिस एवं जनपद नगर की पुलिस लगी हुई थी। कल रात को सूचना मिली कि पशु तस्कर शहर में घुसे हैं एवं तो इस बात की सूचना मिलने पर हम चारों तरफ घेराबंदी की। कानपुर में चलते स्कूटी में आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण गर्मी में गाड़ियों से आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। कानपुर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश से चलती गाड़ी में आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में जाजमऊ गंगा पुल पर धुधुकर जल उठी थी 4-व्हीलर गाड़ी, जिसमें बैठी सवारियों ने कूद कर अपनी जान बचाई थी और फिर ऐसे ही स्कूटी में आग लग गई और आग लगने से पूरी स्कूटी जलकर राख हो गई है। हालांकि गनीमत रही कि स्कूटी सवार मौके से भागने में कामयाब रहा। रेल बाजार थाना अंतर्गत शांतिनगर रेलवे क्रॉसिंग की पूरी घटना बताई जा रही है। कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे जिला अस्पताल उर्सला। अचानक हुए उस दौरे को लेकर उर्सला प्रशासन में हड़कंप मच गया। निदेशक समेत अन्य डॉक्टर्स ने डिप्टी सीएम का स्वागत किया। अचानक हुए औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। तस्वीरों में दिख रहा परिवार और साथ बैठी सोनम उसके हाथों में शादी का कार्ड है। कार्ड में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो छपी हुई है। दरअसल ये पूरा परिवार कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के चिरखिरी गांव का रहने वाला है। काफी समय से समाजवादी पार्टी को पसंद करता चला आ रहा है। बीते रविवार को बेटी की माँ रूबी लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को न्योते देने के लिए गई थी। 13 जून को बेटी की शादी है। उन्होंने शादी में आमंत्रित किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बेटी की शादी के लिए 2 लाख रुपए से आर्थिक मदद की है। शादी के कार्ड में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो छपने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के फैन रहे तो हमने सोचा कि अब हमारा नेता है समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, तो हमने कहा भैया गरीबों की मदद करते हैं अखिलेश यादव, उनके अलावा और कोई नहीं करता है मदद। हमने कहा कि चलो एक बार हम भी जाते हैं अपनी बेटी की शादी में, कार्ड दे के आते हैं, कहेंगे भैया हम गरीब हैं, आप हमारी मदद करो। लखनऊ में सीजी फोन उठाने को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया। कहा कि सरकारी फोन जो दिए गए हैं, चाहे वो फिक्स लाइन हो या यूसीजी हो, सभी चालू हालत में होने चाहिए। इसे अधिकारी द्वारा उठाए जाने के लिए कहा गया है। अगर किसी कारणवश अधिकारी फोन ना उठा पाए तो उसके बाद रिटर्न कॉल करें, उसकी समस्या को सुनिए और समस्या का समाधान करें। लखनऊ के पारा में चोरों ने शोर मचाया है। दरअसल पुलिस प्रशासन खामोश बैठा हुआ देखता रहा और पुलिस मकान देखकर खामोश हो गई। चोरों ने आदर्श विहार में बंद मकान का ताला तोड़कर करीब 7-8 लाख की
ज्वेलरी और नकदी पार करती है। चोरों ने ईंट कारोबारी के घर को निशाना बनाया। कारोबारी का आरोप है कि पुलिस जांच कर चली गई। मौके पर कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और खोजी स्वान नहीं बुलाया गया। पीड़ित के मुताबिक चोरों ने फ्रिज में रखा सामान भी खाया है, पानी भी पिया और चोरों ने मकान के कैमरे से छेड़छाड़ की है। साथ ही साथ जो पैसे मिले थे वो भी गायब कर दिए हैं। एक मंच तीन आवाज सेवा सुरक्षा लेखनी जनशक्ति सेवा सम्मान जो कि समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे पुलिस पत्रकारों और जनसेवियों को सम्मानित करने के लिए सामाजिक संस्था माँ गायत्री जनसेवा संस्थान और निशु वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन प्रेस क्लब लखनऊ में किया गया। एनजीओ प्रकोष्ठ महानगर लखनऊ भाजपा के संयोजक और माँ गायत्री जनसेवा संस्थान के संस्थापक अरुण प्रताप सिंह और एनजीओ प्रकोष्ठ महानगर लखनऊ भाजपा की सहसंयोजक निशु वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षता श्रीमती गुंजन वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है, जिसमें जनशक्ति सेवा सम्मान के बारे में बताते हुए कहा कि समाज को सुचारू तौर से एक समन्वय से चलाने में पुलिस पत्रकार और समाज सेवियों को बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। लखनऊ में नाराज युवक ने अपनी गाड़ी में आग लगा दी। विधानसभा के सामने स्कूटी में आग लगा दी। मौके पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई है। युवक को लेकर फिलहाल हर्षगंज थाने पहुंची है पुलिस। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में समस्त महिला सुरक्षा विशेष दल द्वारा नारी सुरक्षा सम्मान एवं सशक्तिकरण के लिए महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत गली मोहल्लों, बाजारों, बस स्टैंड आदि स्थानों पर भ्रमण कर विभिन्न हेल्पलाइन के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही साथ साइबर अपराधों के बारे में जागरूक किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के दृष्टिगत मुरादाबाद पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर बैंक एटीएम तथा बैंकों के आसपास संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की गई तथा बैंक सुरक्षा ड्यूटी पर लगे सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अजीम द्वारा अपराध की दुनिया से अर्जित किए गए धन से खरीदी गई संपत्ति को धारा 14 के अंतर्गत कुर्क किया गया है। अचल संपत्ति को थाना कोतवाली नगर पुलिस ने कुर्क किया। नगर के चौहान गार्डन में महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम किया गया। मीडिया से बात करते हुए मुकेश राणा ने बताया कि हम लोगों ने महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम किया है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य हमारे समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना है, समाज में एक अच्छा मैसेज देना जो हमारे बच्चे हैं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर एक नया मुकाम स्थापित करें। उन्होंने बताया कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना, जो हमारा पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए हम लगातार इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। श्रावस्ती में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश की अध्यक्षता में नालों की सफाई कार्य एवं बाढ़ से बचाव हेतु राप्ती नदी पर चल रहे कटान विरोधी कार्य की तैयारी की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 जून तक नालों की सफाई का कार्य हर हाल में पूरा कर लिया जाए ताकि बरसात संभावित बाढ़ के दौरान नालों के माध्यम से पानी आसानी से निकलता रहे। सरोवर नगरी नैनीताल में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में राजभवन गोल्फ क्लब नैनीताल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बैठक में 18वें गवर्नर्स कप गोल्फ प्रतियोगिता 2022 की तिथि भी निर्धारित की गई है। गवर्नर्स कप गोल्फ प्रतियोगिता 16 से 18 सितंबर 2022 तक आयोजित की जाएंगी। चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने के लिए लगातार बीटीसी परिसर में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बिगड़ रही है। संख्या अधिक और रजिस्ट्रेशन कम होने की वजह से तीर्थयात्री की वेटिंग बढ़ती जा रही है। ऐसे में बीटीसी परिसर पर तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी गड़बड़ा गई। सूचना मिलने के बाद डीएम और एसएसपी देहरादून ने मौका मुआयना करने के बाद तीर्थयात्रियों को आसपास के कई स्कूलों में ठहराने की व्यवस्था बनाई। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में अवैध अतिक्रमण को छुड़वाया गया, क्योंकि गंगोत्री धाम में पिछले कुछ दिनों से लगातार अतिक्रमण हो रहा था। धाम भी अतिक्रमण की चपेट में है। गंगोत्री धाम में मुख्य स्वागत गेट के बाहर यहां पर चार धाम यात्रा गाड़ियों की पार्किंग होती है। उन स्थानों पर लोगों के द्वारा लगातार अतिक्रमण कर अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण किया जा रहा था। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।